हेलो 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 हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर क्वर्की वीडियो। आज हम एक्सप्लोर विद क्वर्की का एक नया एपिसोड करने वाले हैं एंड हम आज जा रहे हैं बंजारा मार्केट गुड़गांव, जो कि सेक्टर 62 से शिफ्ट होके सेक्टर 58 आ गई है। तो मैं निकल पड़ी हूँ सुबह सुबह एंड आप देख सकते हो MG रोड मेट्रो स्टेशन से भी ये 11 किलोमीटर आगे है। मैं सुबह काफी जल्दी निकल गई थी बिकॉज गुड़गांव इज क्वाइट फार अवे फ्रॉम माई हाउस। बीच में ग्वाल पहाड़ी वाला रास्ता भी आता है गुड़गांव से थोड़ा आगे जाके एंड दिस इज अ प्लेस कॉल्ड घाटा गांव। घाटा विलेज में जाके बंजारा मार्केट शुरू हो जाती है। सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दीज शॉप्स। एकदम से फर्स्ट शॉप मैंने देखी, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बुद्धा के स्टैचूज थे एंड बहुत सुंदर शो पीसेस लगे हुए थे। दिस शॉप वॉज अ वर्ल्ड ऑफ वंडर्स, लाइक आप देख सकते हो। अगर आप अपने घर की एंट्रेंस को थोड़ा यूनिक बना सकते हो तो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में बुद्धा स्टैचूज अवेलेबल है। यू गाइस कैन सी द वैरायटी फॉर योरसेल्फ। इनकी रेट स्टार्ट हो जाती है 1000 रुपए से, 1500 से 4, 8, 5000, हर तरह की रेंज यहाँ पे अवेलेबल है। एंड दीज इलेक्ट्रिक वाटरफॉल्स एज वेल। यहाँ पे ऐसे फेक पत्ते वगैरह भी होते हैं अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हो और थोड़ा बहुत ग्रीनरी ऐड करना चाहते हो तो। एंड आई रियली लाइक दीज सनफ्लावर्स, जो कि आप घर के किसी वेज में डाल के एकदम समरिश क्वर्की वाइब दे सकते हो। ये 200 ईच के थे। एंड देन यू हैव लॉट्स ऑफ होम डेकोर लाइक पेंटिंग्स एंड अ लॉट ऑफ फेक आर्टिफिशियल प्लांट्स। ऑल इन ऑल मुझे ये शॉप काफी अच्छी लगी। यहाँ पे बार्गेनिंग का भी स्कोप होता है एंड यू गाइस कैन सी यहाँ पे होम डेकोर या फिर वॉल डेकोर के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी गई हैं, एज वेल एज अ लॉट ऑफ लॉन्गर वेजेस जिनसे आप अपने घर में काफी अच्छे अच्छे स्टेटमेंट पीसेस ऐड कर सकते हो। एंड अगर आप यही चीजें लेने होम सेंटर जाओगे तो आपको इसका तिगुना प्राइस मिलेगा। सो आई फील लाइक दिस मार्केट इज क्वाइट अफोर्डेबल। उसके अगली शॉप में गई, यहाँ पे बहुत सारे लैम्प्स एंड लाइट्स अवेलेबल थी। आई रियली लाइक दीज लाइट्स, ये एकदम यूट्यूबर और फिल्मिंग वाली वाइब देती हैं। अ लॉट ऑफ लैम्प्स देयर जिससे आप अपना घर को थोड़ा जगमग जगमग दिवाली के अवसर पे कर सकते हो। अ फेस्टिव सीजन आने ही वाला है। वन थिंग दैट आई डिड फाइंड अ लॉट इन बंजारा मार्केट वर दीज लाइट्स जो आप ऊपर से लगा सकते हो। सुंदर सुंदर शैंडलियर्स थे एंड बहुत प्यारी वुडन वाइब थी, बिल्कुल कमी नहीं है। अलग अलग डिजाइन है, कॉपर में, ब्लैक में, सिल्वर एंड रोज गोल्ड मेटालिक्स में, सब कुछ अवेलेबल था। सिरेमिक कटलरी बहुत ज्यादा थी एंड क्रॉकरी भी अवेलेबल थी। ऐसे टाइप की ट्रेस भी थी, क्यूट सी अम्ब्रेला जिसमें आप अपने थोड़े ट्रिंकलेट्स एंड ज्वेलरी डाल सकते हो। आई रियली लाइक दिस कप। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा किचनवेयर सेट मिल रहा है, केटल के साथ साथ कप्स मिल रहे हैं, ट्रेस मिल रहे हैं। एंड जैसे अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं और आप उनको किसी अच्छी चीज में खाना वगैरह स्नैक्स परोसना चाहते हो, वो भी अवेलेबल था। यू हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेजेस जो आप इंस्टाग्राम स्टोर्स पे बहुत महंगे महंगे रेट्स पे देखते हो, बट इनका रेंज स्टार्ट हो जाता है 100 रुपए से, 200, 500 से ऊपर 1000 तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस एंड द मटेरियल। यहाँ बहुत प्यारे प्यारे फेस की शेप के वेजेस भी अवेलेबल थे जो मुझे बहुत पसंद है। आई फाउंड दिस शिमला मिर्च सो क्यूट। एंड ऐसे टाइप के बियर मग्स भी अवेलेबल थे इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन हैविंग समथिंग बिगर एंड बेटर एट होम। चीजें स्टोर करने के लिए ऐसे टाइप के डब्बे भी थे, ऑल इन सिरेमिक्स एंड आई वाज सो शॉक्ड क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जो भी चीज आप परचेज करो, मेरी मम्मी की तरह सब कुछ देख परख के चेक करके लेना, बिकॉज सिरेमिक थोड़ा सा नाजुक होता है तो कहीं से छोटा मोटा टूटा हो, इसलिए एज अ कस्टमर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप सब कुछ चेक करके लो। ये वाला बकेट भी कितना प्यारा लग रहा था, इसके अंदर ऐसे फेक फ्लास्क डाल के बहुत क्यूट लगता। इट इज अ वेरी प्रिटी स्टोरेज यूनिट एंड ऐसे सोप स्टोरेज यूनिट्स भी मिल रहे थे फॉर योर बाथरूम। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शॉप, यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर ना छोटे से बड़े साइज की सेट्टी वगैरह मिल रही थी जो आप अपने घर में या ड्रॉइंग रूम में एज एन एडिशनल सिटिंग अरेंजमेंट डाल सकते हो। मुझे ये बेज कलर का बहुत ही प्यारा लग रहा था एंड यू गाइस कैन सी थोड़े बहुत स्टूल्स भी थे। एंड इन जनरल आई जस्ट रियली लाइक द वाइब के साइड में थोड़ी लाइट्स भी दी होती है और आगे फर्नीचर भी होता है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शॉप, जहां बहुत सारी बेड साइड लाइट्स एंड ये यूनिक बंदर वाली लाइट भी अवेलेबल थी। माई पेरेंट्स वर क्वाइट सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू सी इट, उनको ये बहुत यूनिक लगा। आप देख सकते हो पूरा जंगल थीम ऐसे टाइप की शॉप बनी हुई है एंड यहाँ पे पत्तों के साथ साथ प्यारे प्यारे बल्ब लगाए हुए हैं। आई फाउंड दिस शॉप वेरी वेरी यूनिक, तितली वाली एंड मल्टी कलर लाइट्स भी थी एंड ये बिल्कुल मार्केट की शुरुआत में ही चौथी शॉप है ऑन योर लेफ्ट साइड। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शॉप, जहाँ पे वुडन चीजों की कमी नहीं थी। आई मीन लुक एट दिस क्यूट मिरर्स जिनमें अलग अलग कलर्स अवेलेबल थे। मुझे ये वाला वुडन मिरर भी बहुत प्यारा लगा। आई फील लाइक इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस एट होम, बहुत ही प्यारी वाइब आ जाती है एंड इट इज अ स्टेटमेंट पीस के मेहमान वगैरह आके पूछे अरे ये कहाँ से लिया। एंड यू गेट अ लॉट ऑफ दीज शो पीसेज मेटल्स में, वुड में एंड मम्मी और मेरा तो बहुत दिल आ रहा था इस शीशे पे, लेकिन हमारे घर में रखने की इसको जगह नहीं है सो वी स्किप्ड इट। नाउ इफ यू आर अ फैन ऑफ वुडन स्टफ तो आप ऐसी वुडन ट्रेज ले सकते हो जिनमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। जस्ट इमेजिन सर्विंग योर बर्फीज एंड लड्डूज इन इट ड्यूरिंग द दिवाली
एनर्जी टाइम कितना मस्त लगेगा। पीछे आप देख सकते हो ये वाली जो ट्रेज है ये थोड़ी अनफिनिश्ड है, अगर आप इनको डार्कर पॉलिश कराना चाहो तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सेम टाइप की ट्रेज में ऐसा ब्लैक मेटालिक ऑप्शन भी अवेलेबल था, बट मुझे ऐसी राउंड ट्रेज बड़ी पसंद आती है क्योंकि इसमें आप खाने के अलावा अपने वैनिटी टेबल में ज्वेलरी भी रख सकते हो। आई रियली लाइक दैट, जहां पे भी वुडन फर्नीचर वाली शॉप्स होती है वहां बहुत अतरंगी ऑप्शंस अवेलेबल होती है। लाइक ये वाला बेड साइड ड्रॉअर भी बहुत प्यारा था, मुझे ना ये वाली चेयर बहुत यूनिक लग रही थी, ये थोड़ी लो थी लेकिन मैंने बैठ के देखा इफ इट इज ड्यूरेबल एंड आई फाउंड इट रियली कंफर्टेबल टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे गद्दियां रखो एंड बिल्कुल प्यारा सिटिंग स्पेस आपके गार्डन वगैरह एरिया के लिए बन सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट शॉप, ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट शॉप्स है इस बार की। यहाँ पे गद्दियां और ऐसे स्टोरेज यूनिट्स मिल रहे थे एंड दिस वॉज फुल ऑफ रग्स एंड मैट्स, बड़े ही प्यारे प्यारे एंड विंटेज डिजाइन के यहाँ पे कार्पेट्स अवेलेबल थे, तो अलग अलग साइजेस थे इन आंटी के पास एंड मैं सारे एक्सप्लोर कर रही थी। आई पर्सनली फील लाइक ऐसे टाइप के जो रग्स एंड मैट्स होते हैं आपके घर में बहुत सुंदर एक कैरेक्टर ऐड करते हैं एंड इफ यू बाय समथिंग इन अ न्यूट्रल कलर तो इससे और घर खिल के आता है, आपका फर्नीचर और अच्छा खिलता है एंड विंटर्स के टाइम पे तो ये बहुत ही प्यारा लगता है, स्पेशली जब आपके मेहमान आने हो एंड यू गाइस कैन सी कितनी सारी वैरायटी थी इधर एंड यहाँ पे बार्गेनिंग का भी काफी स्कोप था। रग के अलावा यहाँ पे ऐसे मैक्रेमे की वॉल हैंगिंग्स भी अवेलेबल थी, ऐसे पॉट्स अवेलेबल थे जिसमें आप अपने गमले वगैरह डाल सकते हो एंड मुझे और मेरी फैमिली को ना ये वाली रग बहुत पसंद आ रही थी। ये आंटी के पास ना बहुत अलग अलग साइजेस थे तो आप उनको बता सकते हो आपको 5x4 का चाहिए, 7x7 का चाहिए, तो वो उस अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस दिखा देती है। शी वॉज वेरी नॉलेजेबल अबाउट इट एंड ये एक टू वे रग था विच वी फाउंड रियली इनक्रेडिबल। यहाँ हमने बड़ी तगड़ी बार्गेनिंग की, 4000 की चीज हम बिल्कुल हाफ प्राइस में ले आए एंड ये शॉप नंबर 108 था। दिस इज माई फेवरेट इसीलिए मैं इसका शॉप नंबर बता रही हूँ। वैसे तो सब कुछ फाइंड करना बहुत ईजी है, इट्स जस्ट अ स्ट्रेट लेन। यहाँ आगे जाके और आपको सिरामिक्स दिखेंगे एंड मुझे स्ट्रेट प्लेट बहुत अच्छी लगी टू सर्व लाइक केक्स एंड ऑल, पेस्ट्रीज वगैरह, डेजर्ट सर्व करने के लिए। एंड इस शॉप में स्पेसिफिकली ना पर्पल एंड बहुत सुंदर पॉप ऑफ कलर्स, पीछे ग्रीन, ऐसे टाइप के बहुत प्यारी क्रॉकरी अवेलेबल थी। दे ऑल्सो हैड दीज एलिफेंट्स जिसमें कुछ अजंता एलोरा वाली वाइब आ रही थी एंड दिस वॉज सच अ यूनिक पीस। मुझे ये वाली प्लेट्स बहुत पसंद आई एंड आपको एंड में हॉल में मैं दिखाऊंगी कि मैंने एक एक चीज कितने की ली। ये वाला मग भी बहुत प्यारा था, मुझे ऐसे टील कलर के आजकल ना क्रॉकरी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है स्पेशली इन सिरामिक्स एंड यहाँ पे उसकी भरमार थी। फॉर्चुनेटली फॉर मी मुझे बहुत मजा आ रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली काफी गर्मी थी भाई, तो अपनी अम्ब्रेला जरूर लेके आना अगर आप इस सीजन में आ रहे हो तो एंड पानी की बॉटल इज अ मस्ट। उसके अलावा आगे जाके आपको और होम डेकोर दिखेगा जिसमें कैक्टस वाइब वाले प्यारे से डोनट वेज थे एंड इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, टील, ब्लू, बेज, ये तीन कलर्स डोमिनेंट थे। एंड आगे जाके मुझे और प्यारी दुकानें मिली जहां पे आपको सुंदर सुंदर अपने ड्रॉइंग रूम के लिए शो पीसेस मिल सकते हैं। अगेन वेजेस की भरमार नहीं है, यही चीजें हमें इंस्टाग्राम के स्टोर्स में भी मिलती हैं जो इतने ज्यादा प्राइसेस में बेची जाती हैं। नेक्स्ट वी फाउंड दिस शॉप जहां पे सब कुछ वुडन मिल रहा था, दिस टेबल वॉज सो नाइस एंड वी केम अक्रॉस दिस बार यूनिट जिसको खोल के ना प्रॉपर आप इसमें अपनी ड्रिंक्स वगैरह स्टोर कर सकते हो एंड इट वॉज सच अ यूनिक पीस, बट इफ आई रिमेंबर करेक्टली ये काफी ज्यादा महंगा था। नाउ ये संदूक वाली वाइब एंड बहुत सारी स्टोरेज यूनिट्स आपको इसमें मिल सकती हैं। आप ये रैक देख सकते हो, सिंपल लग रहा है बट साइड में इसके वुड नहीं ऐसी चेन वाली वाइब है विच वॉज सो नाइस, मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। अगेन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मिरर्स एंड ड्रॉर्स, यहाँ पे इस बेड साइड वाले ड्रॉर्स बहुत ज्यादा अवेलेबल थे एज वेल एज शू रैक्स। इसको आप अलग चीज की स्टोरेज के लिए भी कुछ ना कुछ बना सकते हो बट ज्यादातर ये शू रैक्स ही अवेलेबल थे एंड ऐसे आड़े टेढ़े अतरंगी टेबल्स जिनको मुझे तो एक्सप्लोर करने में बहुत मजा आया। नीचे आप देख सकते हो कितना प्यारा व्हाइट कलर का मार्बलेस्क टाइप का स्टोरेज यूनिट भी है। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट गुड़गांव से आप इसको शिप कैसे करोगे बिकॉज ये शिपिंग बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करते, तो आपको अपना टेम्पो करना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे दो लेन्स है, लेफ्ट साइड में भी एक लेन जाती है जो मेरी आज एक्सप्लोर करने की हिम्मत नहीं थी, सो आई जस्ट वेंट स्ट्रेट अप एंड आई फाउंड अनदर शॉप जहाँ पे ना बहुत प्यारे ऐसे पैटर्न्स एंड वीविंग वाले मिरर मिल रहे थे। ये ब्राउन वाला, ब्लू वाला, सब कुछ इतना अमेजिंग था। अंदर टिन वाली चीजें जो बहुत ही विंटेज वाइब देती हैं, ऐसे आउल वाले कोस्टर्स, लाइक ऑल इन ऑल ये वाली शॉप बहुत ही ज्यादा यूनिक थी। ये पिज्जा को सर्व करने वाला वुडन ट्रे है एज वेल एज यहाँ पे वुडन चिड़िया थी, पीछे आप सेब देख सकते हो एंड इफ यू गाइज वॉन्ट टू गेट इट पेंटेड या स्प्रे पेंटेड तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल था। ये रॉ यहाँ पे पड़ा है बट यहाँ पे आप काफी चीजें कस्टमाइज भी करा सकते हो बिकॉज इनके पास पेंट्स रेडिली अवेलेबल होते हैं। एंड मुझे तो ये वाला बंदा भी बड़ा सही लगा है, ऐसे नोज के साथ जिसमें आप अपने चश्मे वगैरह डाल सकते हो। देन अगर आपको वुडन वाइब इतनी ज्यादा पसंद नहीं आ रही तो यहाँ पे मेटालिक और मार्बल वाइब भी अवेलेबल है, स्टूल से लेके सेंटर टेबल से लेके साइड टेबल तक सब कुछ यहाँ अवेलेबल है एज वेल एज दीज ब्यूटिफुल शो पीसेस, हिरन वाले, रेंडियर्स वाले एंड बहुत सुंदर जैसे होम सेंटर पे प्यारे प्यारे पॉट्स मिलते हैं, प्लांटर्स मिलते हैं ना, वैसी चीजें अवेलेबल थी। इवन दीज छोटी छोटी स्टोरेज थिंग्स पाइनएप्पल शेप की एंड सब कुछ इतना प्यारा था। मुझे तो ये ह्यूज
कैंडल बहुत प्यारी लग रही थी, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि दिस विल स्मेल सो गुड. बिल्कुल ही गुलकंद रोज वाली वाइब थी इसकी एंड हमको ये बहुत पसंद आई, बट इट वॉज अ लिटिल एक्सपेंसिव. ये शॉप काफी एक्सपेंसिव थी अगर आप मेटल वाली चीजें लेने जाओगे तो, बट इफ यू वॉन्ट टू स्टाइल समथिंग एट योर होम विदाउट स्पेंडिंग टू मच इन होम सेंटर या वेस्ट साइड होम, तो आप इस मार्केट को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो. दिस ट्रे वॉज सो क्यूट, लाइक इसके हैंडल्स ऐसे गोल्ड लीव्स वाले थे एंड यहाँ पे बहुत सुंदर राउंड मिरर्स भी अवेलेबल थे इन केस दैट इज योर वाइफ. यू कैन सी द होल शॉप लुक्स अमेजिंग एंड सुपर ब्लिंगी, सुपर शाइनी एंड दैट इज वॉट आई लव द मोस्ट. देन लेट्स मूव ऑन टू दिस स्मॉल शॉप जहाँ पे काफी कलरफुल शो पीसेस मिल रहे थे. मुझे इतना ज्यादा ये पसंद नहीं आया, सो नेक्स्ट आई मूव ऑन टू दिस शॉप विच इज वन ऑफ माई फेवरेट. इस शॉप में ना कुछ भी आपको मिट्टी वाला नहीं मिलेगा. लाइक बंजारा मार्केट एक रॉ सड़क पे है, अभी यहाँ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है शिफ्ट होने के बाद, तो सब कुछ ऐसे मिट्टी मिट्टी होता है, बट इस शॉप में सब कुछ साफ एकदम प्रिस्टीन कंडीशन में रखा हुआ था एंड आई रियली फाउंड इट वेरी अमेजिंग. सब कुछ बहुत वेल मेंटेन था. मुझे ये दिया शेप का कैंडल होल्डर बहुत अच्छा लगा. इसमें आप दिया कैंडल दोनों जला के रख सकते हो एंड ये दिवाली के टाइम पे इतना ऑसम लगेगा. यहाँ पे आप मोर देख सकते हो. आई रियली फाउंड दिस कैमरा सो प्रिटी, लाइक मैं बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए था. वी ऑल्सो हैड यहाँ मोटर बाइक्स एंड पैंथर्स एंड मोर एंड फिशेज, लाइक यू नेम द एनिमल एंड इट विल बी अवेलेबल इन दिस शॉप. इफ यू आर सर्चिंग फॉर सम स्टेटमेंट पीसेस जो आपको बाकी किसी भी शॉप में नहीं मिलेंगे, जस्ट यूनिक एट योर हाउस, तो आप ये शॉप जरूर कंसिडर कर सकते हो. मैं बंजारा मार्केट की लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एज वेल एज आप यहाँ वीडियो में देख के शॉप नंबर्स एंड फोन नंबर्स नोट कर सकते हो. तभी मैंने सभी बोर्ड्स की फोटोज आप लोगों के रेफरेंस के लिए डाली हुई है. नेक्स्ट, अगर आप जैसे आगे आगे बढ़ते जाओगे, हर दो शॉप के बाद आपको एक नई सिरेमिक की शॉप मिलेगी. दिस इज शॉप नंबर 38 जहाँ पे मुझे बहुत सुंदर बोल्स, बहुत प्यारे प्यारे सॉल्ट एंड पेपर वाले डिब्बे छोटे छोटे मिल रहे थे, बड़ी प्यारी बास्केट्स थी एंड आप देख सकते हो क्योंकि ये बंजारा मार्केट है तो यहाँ पे काफी बोहेमियन वाइब है. अगर आप यहाँ पे आके होम शॉपिंग करने का सोच रहे हो तो बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा. चाहे कितनी भी गर्मी हो भाई, मजा तो बहुत ही ज्यादा आता है. एंड ऐसा नहीं है कि एक चीज की सिर्फ एक ही शॉप है, यू हैव सो मच वैरायटी. तो अगर आपने शुरू शुरू की शॉप से कुछ नहीं लिया, आगे जाके आपको और रग्स मिलेंगे, और सिरामिक्स मिलेंगे, और वुडन चीजें मिलेंगी एंड और प्यारे प्यारे मेटालिक शो पीसेस मिलेंगे. तो अब हम आ गए हैं बिल्कुल इस लेन के एंड में एंड एंड की शॉप्स में आपको और सुंदर मिरर वर्क वाली चीजें मिलेंगी, मैक्रमे वॉल हैंगिंग्स मिलेंगी एंड थोड़ा और फर्नीचर मिलेगा. वन शॉप दैट इज वर्थ मेंशनिंग इज दिस कुशन शॉप, क्योंकि ये शॉप में बिल्कुल आपको रग्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुशन और तकिए वगैरह, कुशन कवर्स मिल रहे हैं एंड ऐसे वाला तो मैंने होम सेंटर में भी देखा है. सो यू गाइस कैन सी इनके पास हर साइज की वैरायटी थी. अगर आपके घर में कुछ गद्दियां हैं कुछ स्पेसिफिक मेजरमेंट्स की, तो आप यहां से सिर्फ और सिर्फ कवर्स भी ले सकते हो एंड अगर आपको अपने घर को थोड़ा एम्प अप करना है तो आप यहां पे कुशंस भी ले सकते हो और उसी की मेजरमेंट के कुशन कवर्स भी ले सकते हो. मैं तो पूरा इस शॉप में खो गई थी बिकॉज आई वॉज फाइंडिंग सम पैटर्न्स रियली अमेजिंग. मुझे अपने स्टूडियो के लिए कोई प्यारे प्यारे फ्लोरल पैटर्न्स चाहिए थे एंड आई वॉन्टेड समथिंग इन रस्ट कलर एंड ब्लू कलर, बट मेजरली मुझे ये जो लंबा वाला तकिया ना, ये बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था, बट इट वॉज अ लिटिल एक्सपेंसिव एंड भैया ना ज्यादा बार्गेन नहीं कर रहे थे, तो इसलिए आई जस्ट लेट इट बी. इस शॉप से मैंने कुछ नहीं लिया, बट नाउ आई रिग्रेट इट बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन थी. तो नेक्स्ट टाइम अगर मेरा बंजारा मार्केट चक्कर लगा, मैं ये शॉप में जरूर आऊंगी एंड आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे कलर्स अवेलेबल है. ये वाला मुझे ले लेना चाहिए था बट मैंने लिया नहीं. दिस इज शॉप नंबर 40 एंड यहाँ से हम सब कुछ जो भी छोटा मोटा हमने बाय किया लेके डिक्की में भर के निकल पड़े हैं. सो बेटर कम इन अ कार और समथिंग लाइक दैट. नाउ इट्स टाइम फॉर अ हॉल, अ मिनी हॉल, क्योंकि बहुत ज्यादा शॉपिंग नहीं की. मेरी मम्मी ने ये सूप पीने का कप लिया एंड इसके साथ ना बहुत सुंदर सिरेमिक मैचिंग मैचिंग सा चम्मच भी अवेलेबल था. हम ज्यादातर घर में ना कप्स में सूप पीते हैं, सो वी रियली नीडेड दिस एंड हमने ये चार का सेट लिया इंस्टेड ऑफ सिक्स. देन आई गॉट दिस क्यूट सी अम्ब्रेला जो आपने शुरू शुरू में व्लॉग में देखी होगी. इसके अंदर ना मैं अपनी प्यारी ज्वेलरी वगैरह रखूंगी, जो डेंटी ज्वेलरी होती है. नेक्स्ट क्यूट थिंग इज दिस प्यारी सी लाल शिमला मिर्च. ये बेल पेपर मुझे इतना ज्यादा पसंद है बिकॉज इसके ऊपर का डंठल निकल जाता है एंड अंदर आप चीजें स्टोर कर सकते हो इसमें. एंड देन आई गॉट दिस बोल. ये अभी थोड़ा मिट्टी मिट्टी है, मैं सब चीज बाद में धोऊंगी, फटाफट ये वीडियो बनानी थी, बट इसमें एक हैंड पेंटेड वाइब है, लाइक बिल्कुल ब्रश स्ट्रोक्स मारे गए हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज ये माइक्रोवेव सेफ है एंड डिशवॉशर में भी आप इसको डाल सकते हो. देन ये वाली प्लेट्स भी मैंने आपको दिखाई थी, बिल्कुल स्ट्रेट वाली. ये डेजर्ट प्लेट्स हैं, आप इसको एज अ ट्रे भी यूज कर सकते हो, बट मैं इसके ऊपर पाए वगैरह डाल के जरूर खाना चाहूंगी. एंड देन दिस वन हैज माय हार्ट. दिस गोल्ड मेटालिक विंटेज कैमरा इज सो नाइस. इसको आप बुकेंड की तरह भी यूज कर सकते हो, बट आई स्पेसिफिकली बॉट इट फॉर माय बैकग्राउंड. लाइक जब मैं वीडियो फिल्म करूंगी तो मैं अपने बैकग्राउंड में ये गोल्डन कैमरा जरूर रखना चाहूंगी बिकॉज कैमरा इज माय लाइफ. आज मैं जो भी हूं, मुझे यूट्यूब ने ही बनाया है, सो आई जस्ट रियली रियली लव फाइंडिंग दीज पीसेज जो मेरे करियर से रिलेटेड
रिलेटेड हो. देन आई गॉट दिस वेरी वेरी यूजलेस थिंग, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा. आई फील लाइक अगर मुझे कोई प्यारा सा समर शूट करना हो, ये वाले फेक सनफ्लावर्स काफी ज्यादा काम आएंगे एंड दे कैन ऑल्सो एम्प अप माई बैकग्राउंड. देन दिस रग जो मैंने आपको दिखाया था शुरू की शॉप्स में, आप देख सकते हो इट इज क्वाइट अ बिग रग एंड मेरे स्टूडियो की ये शान बढ़ा रहा है. लेकिन हमने ये अपने नीचे वाले फ्लोर ड्रॉइंग रूम के लिए लिया है बिकॉज वहां के एस्थेटिक के साथ ये कलर मैच करता है एंड इसको आप टू वे में भी यूज कर सकते हो. बट वॉट आई फाइंड अमेजिंग इज दैट इसकी क्वालिटी एंड द सॉफ्टनेस ऑफ द मटीरियल, द फैब्रिक इज सो अमेजिंग. यू गाइज कैन सी हाउ इट लुक्स लाइक. मैंने थोड़ा वाइड एंगल में लिया है ताकि आप पूरा इसकी शान देख पाओ. एंड दैट इज ऑल वी गॉट फ्रॉम बंजारा मार्केट दिस टाइम. हमने इतना ज्यादा शॉपिंग का प्लान नहीं बनाया था. आई ट्रूली वॉन्टेड टू एक्सप्लोर दिस फॉर यू गाइज बिकॉज फेस्टिव सीजन अब आने ही वाला है एंड आई नो कि दिवाली के टाइम थोड़ा बहुत घर को सजाने का सबका मन होता है. तो उसी मन को रखने के लिए एंड अपनी पॉकेट ज्यादा ढीली ना करने के लिए आप जा सकते हो बंजारा मार्केट जो कि शिफ्ट हो गई है. एंड ट्रस्ट मी यू गाइज, दीज पीपल डू रियली नीड योर सपोर्ट. काफी लोगों को नहीं पता है कि बंजारा मार्केट कहाँ चली गई है एंड इनका बिजनेस पहले से काफी कम हो गया है. सो डू चेक दीज शॉप्स आउट, दे आर अवेलेबल फॉर बार्गेनिंग एज वेल. सो आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की हो. अपना ध्यान रखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. बाय.